यूनिट 6 का चैप्टर जिसका नाम है जीरो आवर। तो जीरो आवर जो है उसके राइटर का नाम है अलेक्जेंडर ग्रेम। तो अलेक्जेंडर ग्रेम जो है वो एक फैंटेसी राइटर थे। फैंटेसी राइटर मतलब वो कल्पनाओं पर ज्यादा लिखते थे। उनका कुछ और वर्क है जिसका नाम है द ब्रेन एंड द प्लॉटर्स। ये उसका स्टोरीज है अलेक्जेंडर ग्रेम का। ये ब्लैक का कुछ ये स्टोरीज है। तो स्टोरी स्टार्ट होती है बॉबी। बॉबी जो है ये मेन कैरेक्टर है। जॉन कैन जो है वो बॉबी के फादर है और बुफालो फ्लैग्स जो है वो लव करती है। ये जो होल स्टोरी है ये बुफालो फ्लैग्स पर और उसमें लिखे रॉकेट पर बेस्ड है। तो स्टोरी स्टार्ट होती है पावर हैड ऑलरेडी गॉन व्हेन बॉबी वोक अप। जब तक बॉबी सो करके उठा तब तक उसके जो पापा थे उसके फादर थे वो जा चुके थे। तो ये बॉबी को थोड़ा डिसअपॉइंट किया लेकिन फिर उसको याद आया कि आज जो है वो बिग डे है। आज एक बहुत बड़ा दिन है। नेचुरली फादर जो है वो अपने प्रोजेक्ट के लिए काफी जल्दी चल जाते थे और मतलब ऑलमोस्ट 4 o'clock भी चल जाते थे। He was poor and breakfast lacked but mother was occupied because he didn't want to talk. अब उसके बाद वो बोल रहा है कि वो बहुत खुश था। वो ब्रेकफास्ट करने आया तो खुश था। वो शांत बैठा हुआ था और वो कुछ कुछ इमेजिन कर रहा था, कुछ कुछ वो सोच रहा था। ऑफ कोर्स ऑल थिंग्स वर सीक्रेट एंड बिफोर फ्लैग्स। तो जो भी वो सोच रहा था, जो भी उसके मन में था, जो भी उसका क्यूरियोसिटी था, सब बेस्ड कहां पर था? वो फेलो फ्लैग्स में भी बेस्ड था जो क्या थी, फ्लावरेट थी। उसके जो फादर थे वो क्या थे, वो एक साइंटिस्ट थे। वो एक सेकंड हाईएस्ट सेकंड बिगेस्ट साइंटिस्ट थे बुफालो फ्लैग्स के। तो बॉबी का जो मेन मोटिव था जाने का लेबोरेटरी वो ये था कि वो अपने पापा के साथ सीक्रेट मिशन में जाना चाहता था। लूनर प्रोजेक्ट है उसके फादर का और उनके लेबोरेटरी का, उसमें वो जाना चाहता था। ये स्टोरी उसी पर बेस्ड है। तो जब वो खाना जब नाश्ता कर लिया तो उसकी मदर पूछती है What's the plan for today, young man? आज तुम्हारा क्या प्लान है? तो वो बोलता है कि वो मतलब थोड़ा सोच अगर इसके बाद वो बोलता है कि क्यों ना मैं मम्मी को एक हिंट दूँ अपने प्लान का। तो वो बोलता है कि वो स्माइल करके भी बोलता है कि आई थिंक आई विल डू द मेमो टुडे। तो उसकी मम्मी बोलती है कि मम्मी ने उसका बात को मजाक में लेते हुए रिप्लाई करती है मॉम स्माइल टू एंड वेंट बैक टू हर रीजन वेल सी टू एट योर फ्यूल मिक्सर इसका रहता है। उसको बोलती है जरा करके देख लो कि तुम्हारा जो फ्यूल मिक्सचर है लूनर में जाने के लिए वो करेक्ट है कि नहीं। तो वो बोलता है कि हाँ मैंने सब चेक कर लिया है, ठीक है। तो फिर वो बोलती है तुम खाना कहाँ खाओगे? तो वो बोलता है कि पता नहीं मुझे वो एकदम वेल माइंड योर मैनर्स एंड से थैंक यू व्हेन यू लीव। तो उसकी मम्मी उसको फिर बोलती है हंसते हुए बोलती है कि तुम अपने संस्कार अपने थोड़ा शिष्टाचार का ध्यान रखो और थैंक यू बोलो लॉक से थैंक यू बोलो। तो जो बॉबी था वो चुपके चुपके बैकयार्ड में चल जाता है अपनी मम्मी से, चुपके चुपके बैकयार्ड में चल जाता है। उसकी मदर जो थी वो वहाँ पर वेटिंग कर रही होती है। तो फिर वो बोलता है इट वॉजेंट अ बैड रॉकर एट दैट ही थॉट 6 feet लॉन्ग विद 2 seats एंड अ नीट इंस्ट्रूमेंट पैनल। तो जो रॉकेट था वो 6 feet लंबा था, उसमें इंस्ट्रूमेंट पैनल था वो बिल्कुल साफ सुथरा था, ठीक है। फिर वो क्या किया, जो बुफालो फ्लैग्स था उसके नीचे में गए था, उसी के थ्रू क्या कर रहा था, रॉकेट को देख रहा था। He went casually off to the back hill and turned left to the pebbles as he sauntered. तो जब वो शांति से चल रहा था ताकि कोई आवाज ना सुने तो पैबल्स को क्या किया, वो किक किया। The way through the sewer was a place behind the bracket. जो सीवर था वो बिहाइंड द ब्रैकेट था और वहाँ पर एली था दैट नोबडी एवर वॉक्ड थ्रू। तो वहाँ पर मतलब इतना संकरी गली था, एली का मतलब होता है नैरो स्ट्रीट, मतलब इतना वो पतला था कि वहाँ पर कोई नहीं जा सकता था। उसके बाद बॉबी जो था फिर भी उस सीवर के रास्ते दिया और वहाँ पर वो जाकर के रॉकेट को देखने लगा और वो निकल गया। देन ही फाउंड अ बिग ट्रॉम। ट्रॉम जो होता है जहाँ पर रॉकेट्स को रखा जाता है, ठीक है। तो रॉकेट वहाँ पर रेड हो रहा था और वो ब्यूटीफुल और साइन था, जो उसका ऊपर का प्लेट था दुनिया का जो रहा था यूजली वो बहुत साइन कर रहा था, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। पहले तो पहचान नहीं पा रहा कि मून रॉकेट है, पर वो जब उसको बहुत बार देखा तो उसको समझ में आ गया कि ये मून रॉकेट है और वहाँ पर दो साइंटिस्ट हैं, ठीक है। तो दो साइंटिस्ट थे तो दोनों साइंटिस्ट को नहीं पहचान रहा था, लेकिन जब ध्यान से देखा तो उसको पता चला कि उसमें से जुड़े थे उसके फादर थे। He had known now for 3 days that at 4 o'clock the roof would open and the storm would be turned into a blast pit and the rocket would shoot out through space to the moon. उसको ये चीज़ मालूम था कि मतलब वो चीज़ जान रहा था कि 4 बजे मून जो रॉकेट है वो छत पर जाएगा और वो ब्लास्ट चक करेगा, वो ऊपर जाएगा।
बालों को सला रहे थे। तो फिर वो अपने फादर से पूछता है कि क्या हो पापा, तो उसके पापा बताते, उसके जो फादर वो बताते हैं कि पहले तो बात था कि कोई पर्सन जाएगा रॉकेट में, लेकिन अब बात हो रहा है कि कोई पर्सन नहीं जाएगा, ये एक तरीके से ये फ्यूल कैंप है, ठीक है, ये फ्यूल कैंप है, ये लूनर में नहीं जाएगा। तो जो गवर्नमेंट था प्लस गवर्नमेंट का हम लोग ये भी बने मतलब पब्लिक करने से मना किया था कि ये स्पेस में जाने वाला है, तो ये बात हम किसी को बता नहीं सकते। और यूएसए का जो गवर्नमेंट था, जो वाशिंगटन में बैठता है, वो बोला था कि ये बात किसी को नहीं बताना है, ये कंप्लीटली सीक्रेट होना चाहिए और इसका कोई भी सेलिब्रेशन नहीं होगा। और जो रॉकेट लॉन्च होगा 4 जुलाई को होगा, 4 जुलाई को ना इंडिपेंडेंस डे होता है यूएसए के लोगों के लिए, तो जो रॉकेट लॉन्च है वो 4 जुलाई को होगा। तो उसके बाद क्या होता है, जस्ट मूव टुवर्ड द बायोबैंक। उसके बाद नेक्स्ट में क्या होता है कि अब यह एक्सप्लोजन होने वाला है और दूसरे कैप का ऑर्डर, तो उसके फादर जाते हैं रूम में बॉबी से मिलते हैं, उसके बाद बॉबी को बताते हैं कि जो है रॉकेट इसमें कोई पर्सन नहीं जाएगा और ये वी वर प्लांट में फिर टू। तो उसके बाद बोलता है कि बॉबी बोलता है कि मैं भी आपके साथ जाने वाला हूँ, उसके फादर बोलते हैं कि तुम नेक्स्ट टाइम जाना। स्मार्ट थिंकिंग सन नाउ दैट उसने आई हैव अ लिटिल टाइम टू मॉल विल प्ले सम बॉल। उसके बाद उसके पास उसको बोलते हैं कि तुम जाओ जाकर के सो जाओ, कल हमारे पास थोड़ा सा टाइम रहेगा, उसमें हम लोग बॉल से खेलेंगे, दैट विल बी फन। तो वहाँ पर बोलते हैं कि हाँ इसमें हो जाएगा। जॉन कैन स्मार्ट एज ही लेफ्ट द बेडरूम, चिल्ड्रन वर वंडरफुल गिवन देम अ फ्यू ओल्ड बोर्ड्स एंड अ स्टीयरिंग व्हील एंड दे कुड बिल्ड अ शिप टू फ्लाई टू द मून।